रविशंकर गुप्ता। क्या मामला है? मामला है सर, एक फड़ी एसोसिएशन हमारी है सब्जी मंडी मकसूदा, जो फड़ी लगाती है गरीब तबके यूपी बिहार जाए पंजाबी सारे मिलके, वो मार्केट कमेटी को 100 रुपये किराया देती है सरकारी महीने के 3000। अब वो प्राइवेट ठेका 7 करोड़ में दे दिए मंडी बोर्ड वाले ने, तो वो दी 7 करोड़ का मतलब कि 400-500 रुपये किराया कौन से गरीब बंदे भरना, वो अपना बच्चे पालना कि किराया भरना। उसके बाद भी अगर हम नहीं देंगे तो गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी है तो गरीब बंदे ने मारना। अभी आप यहाँ थाने के बाहर इकट्ठे हो, क्या हुआ अभी? असी मंडी धरना प्रदर्शन किए थे तो सेक्रेटरी साहब ने 12 बजे का टाइम लिए हैं। असी थाने इसलिए आए कि कुकी नाम का एक बंदा है, वो जनानी बाल फर के मारिया तो कुटिया गला करे, ओदा की मतलब सिविल बंदे का कि आगे धरना प्रदर्शन में उन्होंने मारे तो गाली दे, एससी जनानी मतलब कि ईंट वो चक्के मारना, असी वो खिलाफ धरना दे रहे हैं। एससी जनानी अगर नहीं होगा तो असी डीसी दफ्तर में जाके धरना देंगे कि वो खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी बात हुई, अभी दरखास्त दे दी है, अभी देखो की कार्रवाई करते हैं, अभी बताते हो। क्या बोला उन्होंने? अभी बता रहे कि अभी हम चलते हैं उसको उठा के लाते हैं, अगर और मंडी कल से हड़ताल, जब तक हमारी फैसला नहीं होती हड़ताल ही रहेगी। मुख्य माने की मंडी प्राइवेट ना किता जावे, गरीब बंदे कितने जाने? आगे पर्ची की ठेका प्राइवेट हुई है, वो 50 रुपये साइकिल का 75 लेते हैं, 100 रुपये टेम्पू का 200 लेते हैं, जे कोई गरीब बंदा बोलता उन्हें मारने चालू कर देते हैं। तेज अपना कोई भी फड़ी का ठेका प्राइवेट नहीं होने देना चाहता, जो किराया 100 रुपये देते हैं वो मार्केट कमेटी ले ले, हम खुशी से देंगे। लेकिन आपका नाम और उधर रविशंकर गुप्ता, फड़ी एसोसिएशन के प्रधान मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोला 100 रुपये मार्केट कमेटी ले ले, यहाँ तक ठेकेदार को ठेका दे देता है, लिख के दे कि 100 रुपये ही लेगा सरकारी, उससे ज्यादा नहीं लेगा, सानू लिखित दे दे सेक्रेटरी साहब की 100 रुपये लेगा, असी नाल है जे उसे बद लगा था, असी गरीब बंदे बच्चे पालना की बच्चे पालने क्या करना, धरना देंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो क्या आगे? असी मांग नहीं पूरी, असी धरना दे प्रदर्शन रहिए, आप हरी नहीं लाना, आप हड़ताल पर बैठे रहना शांतिमय से, आप किसी का नुकसान नहीं करना, आप शांति करके अपने फर पर बैठे रहना, कोई माल नहीं खरीदना ना लगाना।